के परम भक्त की क्या महिमा है वो मैंने कल भी कहा, संत के रूप में, भक्त के रूप में। आज भी नारद जी कौन है? तो नारद जी भक्त है, और किसके भक्त हैं? अपने पिताजी के पितृ भक्त। बहुत सारी दुनिया में ऐसे पुत्र पुत्रियां हैं जो अपने माता पिता के बड़े भक्त हैं। माने बिहतो वृंदावनम गते मूलस्य योग भक्ति नाम। वृंदावन में नारद जी अपने पिता के कल्याण के लिए पहुंचे, और वहां जाकर जिस भक्ति से कल्याण करवाना है, जिस ज्ञान से, जिस विवेक वैराग्य से उनकी अवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, आप सब जानते हैं दवा एक्सपायरी डेट हो जाती है कभी कभी। जो दवा हमारे रोग को अच्छा करती है वही दवा कभी कभी हमें बहुत बीमार भी कर देती है, इंफेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है कभी कभी दवा से। आज नारद जी को जिस दवा की जरूरत है वो भक्ति माताएं, और वो बीमार पड़ी। नारद जी ने देखा भक्ति रो रही हैं, और उनकी गोद में ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों पुत्र पड़े हुए, पुत्र ही अस्वस्थ हो गए, और सारी माएं जानती हैं जिनका जवान बेटा बीमार पड़ जाए, आलसी हो जाए, दरिद्र हो जाए, काम ना करे, बिस्तर तोड़े, खटिया तोड़े, उसकी मां दिन भर रोती रहती है, त्रास करती रहती है, जलती रहती है, मरती रहती है। आज भक्ति के दोनों पुत्र वही कर रहे। नारद जी ने कहा देवी तुम हो कौन और ये अवस्था कैसे हो गई तुम्हारी? तो कहा युवती बनने के लिए वृंदावन आई थी, मैं तो युवती हो गई पर मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सुनिए, भक्ति के अंदर ये गुण होता है कि 80 साल का व्यक्ति भी भक्ति में चला जावे तो वो जवान हो जाता है, फिर से बूढ़ा नहीं रहता, वो जरा व्याधि क्लेश में नहीं पड़ता। इसलिए जितने बूढ़े लोग हैं ना, आप में सभी बूढ़े लोग ज्यादा हैं परसेंटेज में इस कथा में, जितने भी बुजुर्ग हैं अगर ये दिन भर रात भर भक्ति में ओत प्रोत लगे रहते हैं तो ये जवान रहेंगे, बूढ़े नहीं रहेंगे। घुटना दुखना कम हो जाएगा, कमर दुखनी कम हो जाएगी, आंखें कम देखना ज्यादा देखना शुरू कर देंगी, दांत कमजोर हैं वो भी अच्छे होने लगेंगे, धीरे धीरे पूरा शरीर चार्ज होने लगता है, क्योंकि भगवान में वो सामर्थ्य है कि वो पत्थर को भी पुजवा देता है तो तुम्हें भी पुजवा देगा। भगवान में यह सामर्थ है, पत्थर की पूजा करवा देता है तो तुम्हें भी पूजवा देगा। तुम तो इंसान हो, तुमने बहुत कुछ किया हुआ है पहले से, पत्थर ने कुछ नहीं किया, पर पत्थर में एक ही गुण होता है, वो कौन सा गुण है कि पत्थर को जहां रख दो वो वहीं रहता है, ना वहां से इधर जाता ना इधर जाता, ये गुण है। आप में यही अब गुण है कि आप कभी इधर कभी, दिन भर बदला बदली करते रहते हो कर्मों की और विचारों की और बुद्धि की, पूरे दिन बदलते रहते हो, दिन भर ढूंढते रहते हो सुख मिले सुख मिले सुख मिले, शांति मिले, ये मिले वो मिले, उसके लिए अपने लक्ष्य तक भूल जाते हो, अपने उद्देश्य को भूल जाते हो। पत्थर ऐसा नहीं करता, आपको भरोसा नहीं है तो आप अपनी छत पे एक बार डाल के देखो, आप मर जाएंगे बूढ़े हो जाएंगे, उसी कोने में रखा रहेगा, हिलेगा नहीं डुलेगा नहीं, धूप पड़ो आंधी पड़ो तूफान पड़ो कीड़े पड़ो जंतु लगो कोई भी बैठो कोई भी उठो, वहीं वहीं वहीं। एक बार भगवान के शरण में आ गए, वहां से हटने की हिम्मत ना होवे तो तर जाओगे उभर जाओगे, भगवान तुम्हें देव बना देगा। और आप सब जानते हैं पंडित लोग कहते हैं एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए मंदिर में पत्थर की तो पत्थर हटता नहीं है फिर, और हटता नहीं है इसलिए पूछता रहता है पूछता रहता है पूछता रहता है, जो पत्थर हट गया वो पूछता नहीं है, बिकता रहता है बिकता रहता है बिकता रहता है। जो पत्थर हट जाता है जगह से उसकी कीमत बाजार में हो जाती है, वैल्यू हो जाती है, बिकता रहता है बिकता रहता है, और फिर उसकी कीमत खत्म हो जाती है। एक बार मालवल खरीद करके आप अपने आंगन में लगा दो फिर उसकी कीमत जीरो, दिन भर चप्पलों के नीचे, दिन भर एरा गेरा नथू खेरा, कोई भी आएगा टूटी फड़ी प्लास्टिक की रबड़ की टाटा की बाटा की, और दैत ऊपर घूम रहा ऊपर घूम रहा ऊपर घूम रहा, गोबर में कीचड़ में मल में मूत्र में खप में खांसी में कहां कहां चप्पल घूम रही है, वो सब मार्बल पर घसड़ रहा,
देखो ये कीमत हो रही है, है? और उस मार्बल को आप उखाड़ करके उखाड़ लो, फिर तो बिल्कुल जीरो बट्टा जीरो, फिर बिल्कुल कीमत की नहीं है वो। जगह बदल लिए पत्थर ने तो कीमत खत्म होती चली जाती है, और जो जगह पर अड़ गया है उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। दर्शक बढ़ते चले जाते हैं, दर्शनार्थी बढ़ते चले जाते हैं, पुजारी बढ़ते चले जाते हैं। बोलिए, एक पत्थर वो है जिसका रोज अभिषेक हो रहा है, रुपया दे दे के लाइन लगी है अभिषेक करने वालों की। और एक पत्थर वो भी है जिसको लोग उठाए उठाए पटक रहे गटर पे, आरियां चल रही है गटर पे चल रहे हैं, ग्राइंडर चल रहे हैं उनके ऊपर, कटाई हो रही है, घसाई हो रही। आप कौन से वाले हैं? हैं? आप कौन? आप तो कुआ के पत्थर हैं, कुआ के ब्लास्टिंग करके टूटते ऐसे ही आप हैं? कुआ के पत्थर हैं आप, मार्बल होते तब भी थोड़ी बहुत ठीक है, कुआ के पत्थर की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। एक तो वहां ब्लास्टिंग हो रही है, वहां से उठा के ट्रैक्टर में रख के न जाने कौन से कहां डालेंगे, कोई भरोसा नहीं। लावारिस समझ के खेतों के इधर उधर फेंकते फिरते उसको, ऐसा हाल है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग जो भी हैं जैसे भी हैं आप चिंता न कीजिए, अगर धरती में जहां राम जी का चरण पड़ जाता है वो मिट्टी राम बन जाती है, तो कथा में आने के बाद, गुरु के पास आने के बाद आप भी भक्त बने बिना नहीं रहेंगे, भक्त बन जाएंगे। पर उन चरणों को मत छोड़िए, उन भक्ति को मत छोड़िए। भागवत जी के चरणों में आए हो, समर्पित गाड़ी में बैठ गए हो, तो भक्ति के टिकट लेके श्रद्धा की सीट पर बैठकर जय जय राम करते रहिए महाराज।